हेलो फ्रेंड्स, तनुज टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चावल के पौष्टिक गुणों से भरपूर हलवा तैयार करेंगे। इसके लिए चावल का आटा आधा कटोरी, एक टीस्पून बेसन, इलायची पाउडर, चौथाई कटोरी दूध, पौन कटोरी पिसी हुई शक्कर, एक गिलास पानी, एक टीस्पून मलाई। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे तेज आंच पर। उसके बाद उसमें चावल का आटा डालेंगे, आंच को तेज ही रहने देंगे। अच्छे से चलाते हुए आटा गर्म होने तक हिलाते रहेंगे जिससे जले नहीं। अब आंच को स्लो टू मीडियम कर देंगे। इसमें घी डालेंगे, ये मैंने 3 टीस्पून घी डाला है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहती हैं तो ज़्यादा भी डाल सकती हैं, क्योंकि चावल एब्जॉर्ब करता है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर इसको भूनेंगे। कलर देखते जाइए इसका, थोड़ा ब्राउनिश गोल्डन सा कलर हो गया है। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन बाद में ही डालना है, क्योंकि पहले अगर बेसन डालेंगे तो बेसन जल जाएगा। बेसन को टाइम कम लगता है और चावल को ज़्यादा लगता है सिकने में। बीच बीच में हम कलछी को साफ करते जाएंगे जिससे कच्चापन न रहे। थोड़ा सिक गया है, इसका कलर देखते जाइए। अब इसमें मलाई डाल देंगे हम। मलाई ताजे दूध की ही लेंगे, फ्रेश मलाई होनी चाहिए, रखी हुई मलाई नहीं, उसमें स्मेल आने लगती है। चेक कर लेंगे बर्तन में डालकर। ये देखिए साफ है, ये गर्म की वजह से चिपक रहा है। इसी में ग्रेट की हुई ड्राई फ्रूट डाल देंगे। जिससे ये भी अच्छे से भुन जाएगा। भुनी हुई सामग्री को प्लेट में निकाल लेंगे, इसमें पानी डालेंगे, एक गिलास पानी है। शक्कर डालेंगे इसमें। शक्कर को घुलने तक लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये चिपकेगी नहीं। फ्लेम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, स्लो टू मीडियम रखेंगे। भुना हुआ मिक्सचर प्लेट में से कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे। लम्स न रहे, अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे इसे। ये देखिए लम्स था इसमें, इसको चम्मच की हेल्प से ठीक कर लेंगे। इसमें बॉईल आने लगा है, दूध डाल देंगे हम। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इसी तरह से चलाते हुए हम इसे बनाएंगे। ढक के हिलाएंगे क्योंकि इसमें छींटे आने के चांसेस हैं। आप अगर चाहें तो घी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच डाला है, और ना भी डाले तो भी चल जाएगा। हलवे की कंसिस्टेंसी गाढ़ापन चेक कर लें। ये हलवा तैयार है। गैस बंद कर दें और इसे ढक कर रख दें। गैस से उतारना नहीं है अभी, 1 मिनट के लिए गैस पर ही रखा रहेगा। लीजिए तैयार है चावल का पौष्टिक हलवा। मन चाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए।